मेरे पागलपन में एंजॉय कीजिए मेरे साथ, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप भी थोड़ा सा पागल हो जाए, यू डिजर्व। इसको भी पेंटिंग करनी है, कह रहा है मैं भी करूँगा, मैंने भी पेंटिंग करनी है। सेटिंग की है, अपना वर्क स्टेशन बनाया है, ये अभी कुछ सैम्पलिंग हो रही है। कोई भी यकीन नहीं करेगा, मुझे पता है हॉबी आई डोंट हैव अ हॉबी। अब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऑयल पेंट ऑन द वॉल करूँ, बट ऑयल पेंट जो वॉल्स के लिए ही होता है। ये देखे मेरे कपड़े और मेरे हाथ बताएंगे दास्तान। शौक है, मेरी हॉबी है, नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, बड़ा मजा आ रहा है। ब्लैक ये कबर्ड्स कुछ इस तरह की थी और गंदी भी हो रही थी, मतलब या तो मैं इसको पॉलिश कराऊं, क्या करूं, मैंने कहा इसको कलर कर देते हैं। सब मिक्स करेंगे व्हाइट जी। देखिए कहां तक पहुंच गए, वाह वाह, चार घंटे तो पाँच घंटे हो गए। इस कमरे में तीन डोर्स हैं, इतने मजे का लग रहा है जैसे एलिस इन वंडरलैंड नहीं होता, मुझे बाकी एलिस इन वंडरलैंड वाली फील आ रही है। नहीं उसमें भी डोर्स होते हैं, फिर एलिस के थोड़ा सा केक खाती है, छुट्टी हो जाती है, डोर में जाती है, डोर में जाते हैं। आई लाइक डोर। अब मैं आपको जब थोड़े से बड़े बड़े फ्रेम्स दिखाऊंगी ना, आपको तब लुक समझ आएगी। जो खिड़कियां भी पेंट कर सकते हैं, मैंने भी इसको करना है, इसका थोड़ा सा एल्यूमिनियम के ऊपर मैं ट्राई मारूंगी। मेरे साथ साथ सब पेंटिंग पे लग गए हैं। ये देखो जान, ये यूज करना है क्या, बड़ा वाला बिग ब्रश यू वांट? हाँ। इसको भी पेंटिंग करनी है, कह रहा है मैं भी करूंगा, मैंने भी पेंटिंग करनी है। सेटिंग की है, अपना वर्क स्टेशन बनाया है, ये अभी कुछ सैंपलिंग हो रही है। अजान नीचे डार्क रखना बस, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, लाइट करते रहे। यहाँ और भी क्या चल रहा है, क्या 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 नहीं बता, क्या पेट्रोल, क्या पेट्रोल नहीं है। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, बहुत मजे के पेंट के रिजल्ट्स आए और अब मुझे फ्रेंड्स की वजह से, फैमिली से जो इनकरेजमेंट मिली है, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं घर में जितने भी ये ब्राउन पीस का फर्नीचर है उसको मैं सबको पेंट कर दूं। आई डोंट नो, आई एम ऑन अ मिशन। फैसल बहुत परेशान है, घबराए हुए हैं कि नादिया को क्या हो गया, मे बी आई गॉन मैड, बट आई एम एंजॉइंग दिस मैडनेस सो मच ऑनेस्टली। कभी कभी कोई ऐसा भी पागलपन, ऐसे पागल के दौरे होते हैं जिसमें बड़ा मज़ा आता है, एंड इट्स फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, सो आई एम हैविंग अ बॉल। आ गई हूँ मैं उसी पेंट शॉप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो इसके कलर्स हैं उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। मेरी ये फ्रेंड्स कह रही हैं कि चौक कलर, फला कलर, मैं यहाँ टेक्निक की बात ही नहीं कर रही, ना मेरी कोई टेक्निक कोई आप समझे कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, नो, आई जस्ट एक्सपेरिमेंटेड, इट टर्नड आउट गुड जस्ट द वे आई वॉन्टेड इट। मैं इन्हीं कलर्स को बुलूंगी, कुछ अर्सा अपग्रेड करना, बहुत प्रोफेशनल, मुझे दूसरे कलर्स नहीं। जब रिजल्ट मेरा इन कलर से अच्छा आ रहा है, मैं किसी और स्टोर पे जाना ही नहीं चाहती, बिकॉज दिस इज़ फॉर फन। उसी शॉप पे आई और उनसे पूछूंगी इनके पास क्या कलर्स हैं, मुझे वो जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो ज़्यादा चाहिए, कुछ कंटेनर्स देखती हूँ बेहतर है, कोई चीज़ हो जिसमें मैं रख सकूँ अपना सामान पेंट का, स्मेल ना आए घर में, क्योंकि स्मेल उसकी वजह से रहती है ऑयल पेंट्स की। बट मुझे कहा किसी ने एक्रेलिक भी करो, बट मैं कुछ और नया नहीं करूँगी, जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट इन पेंट्स का मिल रहा है, देन आई एम नॉट गोना चेंज, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग नो। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ पर्पल, कुछ मैरून में, पिंक में, कुछ येलो में, तो मैं कलर्स देखती हूँ इनमें मैंने पेंट करना है। हाई सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल और मेरे पागलपन में एंजॉय कीजिए मेरे साथ, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप भी थोड़ा सा पागल हो जाए, यू डिजर्व इट। कोई भी यकीन नहीं करेगा, मुझे पता है। हाँ, पिछले दिनों मुझसे अजान ने पूछा मामा आपकी हॉबी क्या है, एंड आई वाज लाइक हॉबी आई डोंट हैव अ हॉबी, एंड ही वाज लाइक
क्यों मम आपकी हॉबी नहीं है? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, मैं ये वो पता हूँ, म्यूजिक भी इतना कम कर दिया हॉबी। और बस उसी दिन पर मुझे बड़ी शर्म आई और मोटिवेशन मिली, मैं चली गई एक दुकान, वहाँ से मैंने उठाया सामान और बस मेरा एक बचपन का शौक था वो मैंने पूरा किया। मेरे पास पुराना फर्नीचर कुछ ऑब्वियसली जो मैं दुबई से लेके आई हूँ सालों से, और वो मैं उससे बड़ी बोर हो गई थी। मैं सोच रही थी कि इसको मैं सेल कर दूँ क्या करूँ, बट इतना अच्छा सॉलिड फर्नीचर है क्या करूँ, तो मैंने उसको कर दिया पेंट। और अब मैं सेकेंड काम करने जा रही हूँ, मैं अब पेंट करने जा रही हूँ स्टेप टू, क्योंकि प्रोग्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में जी, तो मैं इस वक्त बाथरूम में हूँ। ये हमारा एक वो जो नहीं पाउडर रूम होता है वो है, अब मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ थोड़ा सा। मैंने पेंट अभी कर लिया, मैंने कहा पहले देखूँ बन रहा है नहीं फिर मैं वीडियो बनाऊँ। ये कुछ ऐसा लगता है बाथरूम, दिखाओ। ये ऐसा इसकी दीवारें हैं, छोटा सा है। मैं जो पेंट करती हूँ उसमें मैं ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ऑलिव्स इनका बड़ा इस्तेमाल करती हूँ, ब्राउन। अब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऑयल पेंट ऑन द वॉल करूँ, बट ऑयल पेंट जो वॉल्स के लिए ही होता है। पेंट मैंने मंगवाए हैं 2-3, आई एम मिक्सिंग ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, और मैंने भी थोड़ा सा किया एंड रिजल्ट इज नॉट सो बैड बिकॉज फर्नीचर पे और बात है दीवार पे कैसा आ रहा है ये देखिए। ओके, हाउ इज इट लुकिंग? है वली बहुत है, पब्लिक भी बताएगी आपको, बिल्कुल 3D लग रहा है अपने हाथों से। और मेरे हाथ बताएंगे दास्तान। तो ये कुछ किया है, जब मैं ग्रीन करने लगी तो वो बिल्कुल ऐसा ग्रीन था ना शुरू में, तो जस्ट प्लेन ग्रीन लाइक दिस, ये ऐसा था प्लेन। उसके साथ फिर मैं वाइट और ब्लू का करती हूँ ब्लेंडिंग, जो मुझे लगता है उसमें खास ब्रशेस का साइज हो जरा छोटों से, मतलब डिपेंड करता है, बड़े बड़े ब्रशेस से ये नहीं होता। मैंने आज देखा बड़ा ब्रश यूज किया, मैं कहा भाई इससे तो संभल ही नहीं रहा। ये आइडिया वैसे आया कहाँ से आपके? पता नहीं, रैंडम मुझे शौक है, पता है मुझे कलरिंग, मैं देखती थी ना कुछ लोगों के कि फर्नीचर पे ऐसा पेंट होता था, मैंने कहा मैंने करवाना है, फिर मैंने पूछा जो पेंट ये करते हैं इतना एक्सपेंसिव, मैं कहूँ ये तो बहुत ज़्यादा महंगा, नहीं मैं तो इतने पैसे दे रही और फर्नीचर भी मुझे ज़्यादा कराना है। मैं ले चुकी थी कुछ लोगों से कोट्स, बट लेकिन सही बात है मेहनत का काम है, फिर पेंट का भी खर्चा, मैंने कहा मैं खुद क्यों ना करूँ। मैंने ट्राई किया वो मज़े का हो गया, फर्नीचर भी बहुत अच्छा हुआ है ना। फर्नीचर ये देखिए आप, ये मेरे कमरे की टेबल, ये अजान की टीवी ट्रॉली, साथ में उसके लिए जो टेबल मेरा फेवरेट है जो अजान का, ये वाला मैंने किया, इतना बोरिंग था ये ब्राउन सड़ा हुआ, कोई मतलब होता है ना आउटडेटेड हो जाता है फर्नीचर, आप देख देख के भी बोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म होगी। अब ये देखें भी किस तरह ट्रांसफॉर्म होगा, दिखाना। आपको लग रहा होगा ये वो टेक्निक है जी हमें पता है, देखते हैं, बिल्कुल पता होगा, मेरी कोई टेक्निक नहीं है, आई एम जस्ट हैविंग फन और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने साथ कि मैं किस तरह कर रही हूँ बस। मेरी फ्रेंड्स है राना जो कि भीम ही आर्ट स्कूल, ये तुम्हें टेक्निक तुम्हें चौक वाली यूट्यूब से देखी है, मैंने कसम से यूट्यूब से कुछ नहीं देखा, मान से मुझे ये पता है कि इसको लगना कैसे चाहिए, जो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो आई थिंक आई एम गुड एट ब्लेंडिंग।
तो मेरा जो ये शौक है, मेरी हॉबी है, नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। बड़ा मजा आ रहा है। ये जो वॉशरूम है अब कैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो फैसल बड़े खुश हुए इस वॉशरूम को देखे कि बड़ा ग्रैंड और मजे का लग रहा है। और देखें कि सिर्फ पेंट की हमें कॉस्ट आई तो तकरीबन 10,000 से नीचे का है ना अली, 10,000 से नीचे में हमने इसका पूरा पेंट जो है वो चेंज कर लिया। अगर मैं वॉलपेपर लगाती, वॉलपेपर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता, कलर करवाती तो उसकी मजदूरी वगैरह सारा कुछ देख के पेंट खुद किया, मज़ा आया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इतना अच्छा कलर हो गया। अब मैं पीछे पड़ गई हूँ कीनू के रूम के। कीनू के रूम में एक बेड था जो हमने हटा दिया। अब कीनू उस कमरे में सोता ही नहीं, वो सोता है अपने भाई या अजान के साथ। बेड मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया। और उस रूम में मैंने डाला 17.5 mm की थिकनेस, जो कि बहुत थिकनेस होती है कारपेट की, वो लिया। उसको फुल कारपेट किया कमरे को। अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, इधर खेले यहाँ मज़े से अपने रूम में। और बस मुझे इसकी जो है ये कबर्ड्स, वॉशरूम का डोर, एंट्रेंस का डोर आउट लग रहा है क्योंकि ब्लैक है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थीम। उसको अब मैं पेंट कर रही हूँ। और कुछ ऐसा है नज़ारा, मेरे सिस्टम से आप मिलिए, ये फ्रांस से आए हैं, बहुत मशहूर पेंटर हैं और कमाल का पेंट करते हैं। और इनका नाम है पेंटर कीनू। ब्लैक ये कबर्ड्स कुछ इस तरह की थी और गंदी भी हो रही थी, मतलब या तो मैं इसको पॉलिश कराऊँ, क्या करूँ, मैंने कहा इसको कलर कर देते हैं। इस वक्त मिस्टर पिकासो जो है ये मैंने किया चॉक फिनिश, अगेन माय फेवरेट ग्रीन ब्लू, और वो रूम के साथ जा भी रहा है। कैसे क्या भाई? एक बार जो ये डोर है मैं येलो कर दूंगी। ये कलर नहीं करना, ये इसके थीम के साथ नहीं जा रहा बेटा। उफ, बहुत ज्यादा ब्लू कर दिया कीनू ने। मुझे फिक्स करना पड़ा। साथ में म्यूजिक लगाया था, एंजॉय कर रहे हैं। मैं माँ बेटा जो है पेंटिंग कर रहे हैं, अल्लाह माफी। तो आप देखें कि मैं खुद ही कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी मैरीज के हैं ऑयल कलर, और कुछ कलर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त। ये ग्रीन कमाल है, ब्लू में दिखाओ जो मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ, और वाइट क्योंकि डार्क पीछे है। कोई ज़रूर कहते हैं कि जी पहले वाइट करें फिर उसके बाद कलर डालें, कोई ज़रूरत नहीं। जो आपकी बेस का कलर है वो उस शेडिंग में हेल्प देता है, चाहे ब्राउन हो चाहे ब्लैक हो। आपको देखिए ना, मुझे पॉलिश इतना महंगा है, पॉलिशिंग कराना उसका मटीरियल बड़ा महंगा है और मजदूरी भी उसकी महंगी है क्योंकि मुश्किल काम है। मुझे इससे बेहतर ये लगता है कि आप प्लीज़ कलर करें, मुझे ज़रूर पिक्चर्स अपनी शेयर कीजिएगा। इफ़ यू डू दिस एट होम, यू डिसाइड कि यार ये मुझे करना है, बहुत रिलैक्सिंग है। आपके जहन में कोई बात चल रही है, परेशानी चल रही है, थोड़ी देर ना अपने जहन को रेस्ट दें, ब्लैंक हो जाए एंड जस्ट इन्जॉय समथिंग जो आपका फुल फोकस ले रहा है और आपको रिलैक्स कर लाइक मी। क्योंकि मैंने इतना लास्ट टू वीक्स काम किया है, फिर अब्बा की हेल्थ की वजह से मैं बड़ी परेशान रही, तो आई फील कि वाकई ऐसी हॉबी, ऐसी एक्टिविटी आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है। बस कुछ है इन कलर्स में, कलर थेरेपी भी देखिए, दो दो तीन तीन चीज़ें हो रही हैं, कलर थेरेपी हो रही है, मेरा दिमाग भी एक जगह बस रिलैक्स्ड स्टेट में है। एंड दिस कलर्स आई लाल नीले जैसे जो रंग होते हैं ना, रेड बलून, उनके साथ ना काम करें क्योंकि वो कलर्स हीलिंग और रिलैक्सिंग कलर्स हो गए। दीज आर जी। देखिए कहाँ तक पहुँच गए, वाह वाह। 4 घंटे तो 4-5 घंटे हो गए लेकिन मेहनत चल रही है, जब तक काम खत्म ना हो जाए ना मुझे चैन नहीं आना। I am a
बहुत परफेक्शनिस्ट, जो चीज करती हूँ फिर वो प्रॉपर सही तरह खत्म करके ही मुझे चैन आता है। बहुत सारे लोग कोई काम शुरू करते हैं बीच में रोक देते हैं कि यार ये कल करूंगी, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे। मैं ज्यादा गैप नहीं आने देती क्योंकि फिर काम रह जाता है इनकम्प्लीट। तो नाउ यू कैन सी द कम्प्लीट लुक। ये जो सारी कबर्ड थी पहले कैसी थी, ऐसी थी, और अब आप इसको देखें। आहा, शेडिंग देखें, ग्रीन, ब्लू, ऑलिव, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, ये कलर्स मैंने यूज किए हैं। ब्लैक तो ऑलरेडी और डार्क ब्राउन बेस थी, मैंने उसको व्हाइट नहीं किया, वरना लोग पहले कहते हैं कि इसको व्हाइट कर दें ताकि कलर इनहेंस हो। मुझे वो ब्राउन शेडिंग चाहिए थी इसलिए मैंने ब्राउन को रहने दिया है, एंड दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एंड गिविंग दिस लाइट एंड डार्क ग्रेडियंट इफेक्ट। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इसके। बस अब मैंने जो हैंडल्स हैं इनको साफ करना है अच्छी तरह, तो आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ फालतू कलर लगे उसको क्लीन कर लें। बट द पेंट इज ड्राई नाउ, आराम से खुल रहा है, अंदर से ब्लैक है, कोई जरूरत नहीं अंदर पेंट करने के, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो दिस इज वन थीम। उसके बाद मैंने नोट किया कि अरे भाई इस कमरे में तीन डोर्स हैं। जी हाँ, तीन डोर्स, तो उसको भी वॉलपेपर के हिसाब से अपनी लूंगे। इतने मजे का लग रहा है जैसे एलिस इन वंडरलैंड नहीं होता, और एक बच्चा जमीन को मुझे चच्चे बॉल है। ओके, यू वांट बॉल, वेयर आर यू, आर यू लाइक योर रूम क्यान? यस, आई वांट फ्रॉम अपस्टेयर फ्रॉम छत बॉल। आई रूट अपस्टेयर फ्रॉम छत बॉल। प्यास भाई, एज इट इज मैंने कन्वे किया, मैंने स्टाफ से कहा है कि जी अपस्टेयर छत बॉल, और वो आ रही है। अच्छा, डोर नंबर वन दिखाती हूँ, ऐसे थ्री डोर्स हैं, दिस इज द डोर नंबर वन। सारा एलिस इन वंडरलैंड वाला इफेक्ट आ रहा है, ये देखें आप, येलो एंड व्हाइट की शेड्स हैं, और इसको दिया भी गुड वाला इफेक्ट है, ऐसे लाइट एंड डार्क विद शेडिंग, मुझे बहुत मजे का लग रहा है। बिल्कुल एकदम येलो नहीं है कि एकदम येलो हो, इन वन शेड नहीं, शेडिंग की है मैंने, तो आई होप यू लाइक इट। येलो डोर हो गया, अब हम जा रहे हैं सेकंड डोर की तरफ। लुक एट दैट, उसकी थीम है ग्रीन। मुझे बाकी एलिस इन वंडरलैंड वाली फील आ रही है, इसमें भी डोर्स होते हैं, फिर एलिस के थोड़ा सा केक खाती है, छुट्टी हो जाती है, डोर में जाती है, उस डोर में जाते हैं। आई लाइक डोर्स, डोर्स आई लाइक, प्रॉपर प्यारे रूम में लगते हैं। अच्छा, अब ये डोर है ग्रीन, तो अच्छा शेड है। मैंने क्या कलर्स यूज किए, अगर मैं ये बताऊँ, आई यूज पेल ग्रीन, ज्यादा डार्क ग्रीन नहीं, ग्रीन के बहुत सारे शेड्स होते हैं, लाइट को यूज किया है, उसमें थोड़ा सा मैंने येलो मिक्स किया है, कुछ ऐसी शेडिंग हुई है। ब्राउन ऑलरेडी बेस थी उसकी, तो लाइट ग्रीन में कुछ इस तरह सा आया है उसको। मैं करती रहती हूँ उसको ब्रश ताकि वो फिर टेक्सचर पकड़े। नाउ दिस इज द थर्ड डोर विच आई एम पेंटिंग ब्लू इस वॉलपेपर के साथ। हर डोर को ना मैंने वॉलपेपर के साथ मैच किया, आप उसको जरा फुल लुक भी देखेंगे। ये जो है साइकिल वाली दीवार, इसमें ये देखिए इसके साथ ब्लू थीम जाएगी। तो अब आपको जब थोड़े से बड़े बड़े फ्रेम्स दिखाऊंगी ना आपको, तब लोग समझ आएगी। जो ये वाला पीछे वॉलपेपर है उसके साथ ग्रीन थीम की है, ये वॉलपेपर राइट पे उसके साथ येलो थीम की है। तो जरा वाली दिखाना पूरी पूरी थीम दूर दूर से शॉट्स, ताकि आप आइडियाज ले सकें और बच्चे के रूम को आप वैसे ही डेकोरेट करें। सिर्फ अच्छे पर्दे लगा लेने से या सिर्फ वॉलपेपर इज नॉट इनफ। और क्यान भी मेरे साथ बाय द वे पेंट करता है, मैं इसको शुरू में करने देती हूँ ताकि उसमें जितने डिजाइन बनाने हैं बना ले अपने। तो मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी जिंदगी का एक बहुत ही कलरफुल इवेंट, और आई एम सो हैप्पी, आई एंजॉयड विद द किड्स। और फैसल बहुत परेशान है, लेकिन बच्चे मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। हम फैसल कह रहे हैं तुमने क्या हशर कर दिया कमरे का, इतना कलरफुल लग रहा है, किसी कार्टून फिल्म में हम आ गए हैं। आप बताएं कमेंट्स में कि क्या कार्टून फिल्म के लग रहा है आपको, या ये वाकई बहुत क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, मज़े की लग रही है। बच्चों का रूम कलरफुल ही होना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ है, बड़ों के तो ऐसे कलर्स कर नहीं सकते। तो आई एंजॉय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आउट स्टाइल, जल्दी से 1 मिलियन पे पहुंचना है। चैनल में कोई ग्लिच आया जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स ऐड नहीं हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बेटर नाउ, बट आई नीड योर सपोर्ट रियली। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट, लाइक माई वीडियो, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और आप ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में कि आपको बेस्ट कलर कौन से डोर पे लगा, कौन से फर्नीचर पीस पे लगा।
अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या पोज है। Thank you.